चैनल में आपका एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बताया चले कि हरदोई से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के हरदोई कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी द्वारा दो दबगइयों के यहां जाकर भारी राजनीति की जाती है। और आपको बताया चले कि उस पर शिवसेना उत्तर प्रदेश के महासचिव अंकित गुप्ता का पलटवार। मलावा विधायक आशीष सिंह आशु के पिता प्रयागराज शिक्षा मंदिर एवं लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय शिवराज सिंह की प्रथम पुण्यतिथि व डॉक्टर अलोक सिंह नीलू की स्मृति में मलावा जूनियर हाई स्कूल मैदान में एक दिव्य अलोक मिशन द्वारा आयोजित विशाल स्वास्थ्य मेले में आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने व पुण्यतिथि पर शामिल होने आए मंत्री अनिल राजभर, प्रभारी मंत्री सतीश महाना व जिलाधिकारी पुलकित खरे व पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित कई भाजपा नेताओं ने पहुंचकर पुण्यतिथि में भाग लिया। दशक तथा सतीश महाना द्वारा ट्राई साइकिल, ग्रीब व कंबल वितरण, गोल्डन कार्ड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलावा अधीक्षक व सतीश महाना के द्वारा किया गया। इसके पश्चात मंत्री जी के सतीश महाना ने द्वारा स्वास्थ्य मेले में भ्रमण भी किया। 28/12/2019 को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पे थी। उसी दिन लखनऊ, उससे पहले लखनऊ में पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के द्वारा सीए के विरोध में कार्यक्रम किया गया था, जिसको समर्थन देने के लिए वो एक स्कूटर पर बैठ के गई थी, जहां पर पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके गले को दबाने की कोशिश की। सच्चाई क्या है ये पूरी बात हम बताना चाहते हैं आपको। मेरा नाम अंकित गुप्ता है, प्रदेश महासचिव शिवसेना उत्तर प्रदेश। आप गौर कीजिए, एसआर दारापुरी आईपीएस कौन व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति हैं जो खुदाई खिदमतदार संगठन चलाते हैं, राष्ट्रीय रिहाई मंच जो कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कार्य करता है, इसके सरगना हैं मोहम्मद स्वैब, संदीप पांडे रायमन मैक्स अवार्ड विजेता, मोहम्मद फैसल आदि लोग इसमें लगे हुए हैं। और एक ये और कार्यक्रम चलाते हैं इंडो पाक पीस डेलीगेशन, इन लोगों को पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग होती है। आज एसआर दारापुरी के समर्थन में प्रियंका गांधी क्यों आई है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यूपीए 1 और 2 के समय एसआर दारापुरी, संदीप पांडे, मोहम्मद स्वैब, कविता चौधरी, मोहम्मद फैसल जैसे लोग इनकी सलाहकार समिति के मेंबर थे। इनको सीए के आने से क्या परेशानी है, एनआरसी के मामले में क्या परेशानी है और एनपीआर के मामले में क्या परेशानी है? ये तीनों काम अगर हो जाते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी और जो इनके सलाहकार समिति के लोग हैं, एसआर दारापुरी, मोहम्मद स्वैब, फैसल जैसे लोग, ये लोग जो पाकिस्तान से पैसा ले रहे थे इनके, वो काम रुक जाएंगे। कहीं ना कहीं ये राष्ट्र विरोधी कृत्य कर रहा है, इस पर रोक लग जाएगी। इस पर जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को, जो कि उत्तर प्रदेश समय देख रही हैं अब और एनआरसी और सीए को लेकर विरोध कर रही हैं। क्या यही इनका राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ में काम? लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।